सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 5000 साल पहले हुई थी। लेकिन यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है, सिंधु सभ्यता के असली निर्माता कौन थे? आइए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता अपने शहर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इन शहरों को बसाने वाले कौन थे? विज्ञान और पुरातत्वविदों की खोजों के आधार पर यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़, आर्य और अन्य स्थानीय जनजातियों का सम्मिश्रण हो सकते हैं। लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी आज भी रहस्यमयी है, क्योंकि हमें अभी तक उनके द्वारा उपयोग की गई लिपि को पूरी तरह से समझने में सफलता नहीं मिली है। हालांकि उनकी संस्कृति और वास्तुकला हमें उनके जीवन और मूल निवासियों के बारे में कुछ संकेत देती है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसका उत्तर सीधे नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां के लोग किसी भी स्पष्ट शासक वर्ग का संकेत नहीं छोड़ते। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता कई जनजातियों के सामूहिक प्रयास से उभरी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह द्रविड़ मूल के लोग थे, जिन्होंने इस सभ्यता की नींव रखी, जबकि अन्य आर्य सभ्यता के प्रभाव की संभावना को भी खारिज नहीं करते। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ, लेकिन इससे पहले यह क्षेत्र संभवतः द्रविड़ और अन्य मूल जनजातियों से बसा हुआ था। यही लोग सिंधु घाटी के शुरुआती निर्माता हो सकते हैं। सिंधु घाटी में पाए गए अवशेष जैसे शिल्पकला और मूर्तियां इस बात की ओर इशारा करती है कि यहां द्रविड़ संस्कृति और सभ्यता का बड़ा योगदान था। सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक आस्थाएं और जीवन शैली भी उनके निर्माता होने की ओर संकेत करती हैं। पशुपति की मुहर, वृक्ष पूजा और जल स्रोतों का सम्मान, इन सब ने बाद में वैदिक और हिंदू धर्मों के विकास को प्रभावित किया। हालांकि इनकी धार्मिक मान्यताएं और अनुष्ठान पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली ने निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता के मूल में अपना स्थान बनाया है। आज भी पुरातत्वविद और इतिहासकार सिंधु सभ्यता के वास्तविक निर्माताओं के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। सिंधु लिपि का अनसुलझा रहना एक बड़ा रहस्य है। क्या कभी हमें उस लिपि को पढ़ने का मौका मिलेगा और इन लोगों की कहानियों को पूरी तरह से जान पाएंगे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? यह सवाल शायद सदियों तक अनुत्तरित ही रहे, लेकिन उनकी बनाई गई विरासत आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की नींव बनी हुई है। उनकी स्थापत्य कला, विज्ञान और सांस्कृतिक योगदान हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें केवल यह समझने की कोशिश करनी है कि उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा।